इंडस्ट्री ओवर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एंड देन फिर मुख्त स्कूल ऑफ थाट्स के आइडिया होते होते फिर एक स्कूल ऑफ थाट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो काग्नेटिव स्कूल ऑफ थाट है अच्छा हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हुए कागनेटिव स्कूल ऑफ थाट को बिल्कुल मिस करते हैं लेकिन हम पोजिशनिंग स्कूल ऑफ थाट पर रहते हैं पोजिशनिंग में क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल्स होते हैं फिर हमें पता होता है कि शॉर्ट एनालिसिस क्या है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या होते हैं फिर उनकी बेसिस के ऊपर हम फार्मुलेशन बनाते हैं फार्मुलेशन की बेस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सो टेकिंग इनिशिएटिव मेकिंग सम फार्मुलेशन एंड देन हैव द इम्प्लीमेंटेशन दिस इज द फ्लो ऑफ द वैल्यू चेन और द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क मूविंग ऑन टू द एनालिसिस और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक फार्मुलेशन होती है गोल होता है स्ट्रक्चर होता है कंट्रोल और फीडबैक होता है बट एनालिसिस के पार्ट में हमारे पास क्या आता है रिमोट एक्सटर्नल इन्वॉर्नमेंट होता है इंडस्ट्री इन्वॉलमेंट होता है एंड देन इंटरनल असेसमेंट होता है एज आई डिस्कस्ड आई इसमें अगर आप सिर्फ नोट कर लें ई एफ ई मैट्रिक्स होता है आई एफ ई मैट्रिक्स होता है इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं और ये शॉर्ट का आप होता है अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहें डू योर यूट्यूब और आप उसके अंदर जाइए और आई ओ के ऊपर काम कीजिए ई एफ ई को समझिए आई एफ ई को समझिए और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बट लिमिटेड टाइम में मैंने आपको ये बताया देन इज द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर डायग्नोसिस अपॉर्चुनिटी रिस्क असैसमेंट स्टरियज होता है देन फॉर्मूलेशन के अंदर ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं जिसके अंदर जनैरिक स्ट्रैटी दे दी जाती है इट इज नॉट अबाउट द कॉस्ट लो कॉस्ट लीडरशिप इट इज नॉट अबाउट द डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटजी और इट इज़ नॉट अबाउट द रियक्टिव स्ट्रैटी और द सीजनल स्ट्रेटी इसमें ये नहीं होता बट जनारिक होता. होता है देन इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ग्राफिक स्कोप होता है मार्केट पोजिशनिंग होती है आपकी मार्केट पोजिशन कहाँ है आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ रहे हैं या इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में आ रहे हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्कोप को भी समझ लीजिए लो कॉस्ट लीडरशिप की जब आप बात करेंगे तो उसमें क्या आपकी पोजीशन क्या आएगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब स्केशन की बात करेंगे वो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में आएगी ये मैंने थोड़ा सा इकोनॉमेट्रिक डिजाइन पर भी बता दिया आपको फिर इसके ऊपर बात करेंगे स्ट्रेटी फॉर्मुलेशन पे वैल्यू चेन की और कोर कॉम्पिटेंसी की र कॉम्पिटेंसी सबकी कोर कॉम्पिटेंसी तो होगी चाहे वो जिस भी कंपटीशन में अब कंपटीशन का मतलब प्राइस हो सकता है उसका डिजाइन हो सकता है उसकी फंक्शंस हो सकते हैं उसकी चीज़ें हो सकती है मोटरसाइकिल में चले जाइए उसका हॉन्डा सी टी सेवेंटी होता था एक जमाने पर फिर जामा होता था अच्छा अब इसके अंदर भी बढ़ते जाते थे एक जो है वो एक लीटर में सत्तर किलोमीटर करता था जामा जो है वो पता नहीं कितने किलोमीटर करता था फिर इसके बाद और भी आ गए फिर अब लाइन लग गई चाइना के से प्रोडक्ट आ गई कहीं और से भी आ गए तो अब मोटरसाइकिल के बेशुमार वेरिएंट हैं जो कि शुरू होता है एक लाख से यानी सत्तर या हंड्रेड सीसी से शुरू होते हैं तो एक ही स्पेस में काफी सारी चीजें आती हैं तो पच्चीस हजार से शुरू होकर लाख तक आता है तो डिफ्रेंसीशन तो है लेकिन कंपेटिटिव एज भी उतना ही बढ़ जाता है यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के पैटर्न को हमने देखना होता है तो so, यहीं से हमने अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करके फिक्स करना होता है बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना होता है अगर मेरी डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी है तो मेरी हॉरिजेंटल लिंकेजेस पर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और अगर मेरा लो कॉस्ट लीडरशिप है तो मेरा स्ट्रक्चर बड़ा होगा स्टैंडर्डाइजेशन होगी प्लांट होगा जॉब्स होंगी जॉब डिज़ाइंस होंगे उसके अंदर मेरा हरार्की होगी टॉप टू बॉटम होगा फंक्शनल uh, होगा स्ट्रेटेजिक होगा फंक्शनल होगा ऑपरेशनल होगा फिर हरार्किकल डिज़ाइन के अंदर टॉप टू बॉटम बॉटम टू अप स्पेसेस होंगी फिर फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बैक टू बैक चेन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ तो उसके मुताबिक मुझे एक अपना ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन औरगैनोग्राम बनाना होगा फिर मुझे इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स और इन्वेस्टमेंट्स देखनी होगी फिर मर्जर एंड एक्विजिशन देखने पड़े होंगे कि जब मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आएंगे तो मेरे पास एक्विजिशन की एक एग्जाम्पल होगी या एक मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं मर्जर की तरफ चला जाऊं या एक्विजिशन की तरफ चला जाऊं या जॉइंट वेंचर में आ जाऊं या कुछ और जेवीज कर लूं टू रिटेन टू टू बी इन बिजनेस एंड देन कंट्रोल के लिए 7.2 परसेंट पर जा रहा हूं फॉर एग्जांपल कोई स्कूल की ब्रांच जा रही है 7.2 पे कोई जा रही है कि अगले इस साल हमें दस परसेंट शेयर पर होना चाहिए प्रॉफिट पर कोई कहता है हमें बारह पे जाना होता है तो इन सारे के ऊपर आपका एम्प्लॉय टर्न भी देखना है हमारे इम्प्लॉयज भी देखनी है हमारा फीडबैक कितना अच्छा है मार्केट स्पेस कितनी है और अगले वेंचर पॉइंट्स कितने हैं और हमने फैलाया कितना है बिजनेस एक्सपेंशन कितनी है और बिजनेस एक्सपेंशनिज्म रिलेटेड टू द बजट एंड फाइनेंस इसको रिलेट करके चलना होता है देन इज अ इंसेंटिव रिव्यूज एंड इवेल्यूएशन Combined together, it makes you give you the strategic planning of a business, and that is must for the entrepreneur to understand and try to understand basic strategies, which is differentiation, low cost leadership, and focus to differentiation. Or if reactive, you must even then you have to have the strategic planning. Thank you very much.